हाथरस के थाना हाथरस गेट इलाके में 10 तारीख की रात को साकेत कॉलोनी स्थित वाटर प्लांट में युवक की धारदार हत्या से की गई हत्या का 48 घंटे में गेट कोतवाल ने किया खुलासा। हत्या में शामिल 4 युवकों को किया गया गिरफ्तार। वहीं इसमें शामिल 2 युवक हुए फरार। एएसपी हाथरस प्रकाश कुमार ने खुलासा करते हुए बताया कि मृतक की इसमें से एक युवक ने थी पुरानी रंजिश। वहीं मोटी रकम वाटर प्लांट में मौजूद होने की थी। हथियारों पर सूचना लूट के इरादे से घटना को दिया था अंजाम, लेकिन हथियारे लूट नहीं कर पाए। वहां से कोई भी रकम और युवक की हत्या कर मौके से फरार हुए। देखिए, जैसा कि आप लोग सभी को जानकारी है, 10 तारीख की सुबह में थाना हाथरस गेट की पुलिस को साकेत कॉलोनी जो इंडस्ट्रियल एरिया के बराबर में है वहाँ पर एक हत्या की सूचना मिली थी। उस हत्या पे हम लोग मौके पे पहुँचे थे, तब से उसकी तफ्तीश की जा रही थी। पर कल शाम 4 बजे इस घटना में शामिल 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। घटना में 2 अभियुक्त और हैं जिनकी अभी तलाश की जा रही है। प्रकरण इस प्रकार सामने में आया कि ये इस अभियुक्त में एक जो मृतक था उसकी एक अभियुक्त से दुश्मनी थी और उसी ने इस घटना को इंस्टिगेट कराया था। वहाँ पर मिनरल वाटर के प्लांट में जहाँ यह लोमहर्षक घटना हुई है वहाँ पे 70-80 हज़ार रुपये के वहाँ पर इनके मिलने की संभावना थी इस इंटेंशन से, और व्यक्तिगत दुश्मनी से इस घटना को अंजाम दिया गया है, जिसके 4 अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 अभियुक्त अभी एट लार्ज हैं जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। दुश्मनी क्या थी और किस वेपन से? दुश्मनी इनकी आपस में कहा सुनी हुई थी, मारपीट हुई थी घटना के कुछ दिनों के पहले। बेसिक दुश्मनी ये थी। और यहाँ पर जो मिनरल वाटर का प्लांट है वहाँ पर पैसे मिलने की इनको संभावना थी, तो दोनों पर्पस था इनका, पैसा भी वहाँ से लूटने का और व्यक्तिगत दुश्मनी से हत्या करने का। वेपन क्या था? वेपन 4। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन